हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू डीप टेक ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पांच ऐसे हिडन फीचर्स, पांच ऐसे हिडन ट्रिक्स जो आपको काइनमास्टर में छिपी हुई है, जो आपको शायद नहीं पता है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को शो करेंगे ये सारी पांच ट्रिक्स, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगी दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप लोग भी यूट्यूबर होंगे या फिर वीडियो एडिटर होंगे, जो आप अपने वीडियोज़ को एडिट करते होंगे काइनमास्टर को। और काइनमास्टर की ये हिडन फीचर्स अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग जान लीजिए, ये काफ़ी बेस्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपली ये काइनमास्टर रहनी चाहिए आपके फ़ोन में। तो ये काइनमास्टर से ही हम एडिटिंग करेंगे, और काइनमास्टर के ही मैं बारे में बता रहा हूँ कि आप लोग इसके हिडन फीचर्स को कैसे जान सकते हो। तो चलिए, उसके लिए काइनमास्टर आपके पास रहने चाहिए। तो चलिए हम काइनमास्टर ओपन करते हैं। उसके बाद देखिए, टॉप फर्स्ट जो फीचर्स है वो हम शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले काइनमास्टर के एम्प्टी प्रोजेक्ट में आ जाना है। उसके बाद मैं कोई भी एक तीन बैकग्राउंड चुन लूँगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा सूटेबल रहेगी आप लोग को समझाने में। तो जैसे कि मैं ये तीन कलर की तीन बैकग्राउंड चुन लिया हूँ, और मैं बताऊंगा फर्स्ट फीचर्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही आप आते हो टेक्स्ट में, जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों कि मैं अपने चैनल का नाम लिख दूंगा डीप टेक ऑफिशियल, और सेकेंड वाली जो वो है बैकग्राउंड है उस पर मैं लिख दूंगा सब्सक्राइब नाउ। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लिखने के बाद आपको थर्ड वाली जो है बैकग्राउंड उस पर मैं लिख दूंगा लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अच्छा रहेगा आपको समझाने के लिए, मैं बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे और आप लोग को भी पता चल जाएगी ये हिडन फीचर्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं सारे लिख दिया हूँ, पर बीच वाले को थोड़ी मैं एनिमेशन में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बताते हैं फर्स्ट फीचर्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो देख रहे हैं बॉक्स वाली सिंबल, जो काइनमास्टर एसेट स्टोर है, इस पर आपको आ जानी है और ये सब आपको डाउनलोड कर लेनी है दोस्तों। शायद आप लोगों को पता ना होगी ये फर्स्ट फीचर्स जो काइनमास्टर में छुपी हुई है। तो दोस्तों, नहीं पता है तो फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लो, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे राइटिंग मिल जाते हैं, बहुत सारे इमोजी मिल जाते हैं, हर्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इसमें इफ़ेक्ट सब मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, मैंने जो डाउनलोड किया है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितनी सारी डाउनलोड की है, इसलिए मेरी जो काइनमास्टर वो कुछ ज़्यादा ही अपडेटेड लगती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे इससे ज़्यादा का फीचर से देखना चाहते हो, इससे अच्छी फीचर से देखना चाहते हो, इसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, दूसरी वीडियो को आप लोग देख सकते हो। वैसे दोस्तों, मैंने ये फर्स्ट हिडन फीचर्स की वीडियो एकदम डिटेल में बनाई हुई है, तो आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हो, लिंक के थ्रू काफ़ी आसानी होगी समझने में। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो हम कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी दे देते हैं, ताकि हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी। और जैसे ही आप लोग दे देते हो दोस्तों, तो अब हमारी आ जाती है टॉप सेकेंड हिडन फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, टॉप सेकेंड हिडन फीचर्स ऑफ काइनमास्टर। तो अब हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि आपकी जो बैकग्राउंड है और जो टेक्स्ट है वो मैच नहीं कर रही है, तो उसे आप लोग को मैच कराना है। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, अगर मैं इसे बढ़ा चढ़ा कहता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी टेक्स्ट है वो अल्टर हो जाती है, मतलब कि जो ब्लैंक जगह छूट जाती है, यहाँ पे देख रहे हो, मुझे मैनेज करनी पड़ रही है। तो ऐसी परेशानी आपके साथ ना हो तो देखिए दोस्तों, आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले हम रिवाइंड आ जाते हैं। रिवाइंड आने के बाद आप देख सकते हो मैं क्या कहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सिंपली अपने टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में पिंक की ऑप्शन है नीचे में, उसे आप इनेबल कर दो, सभी में एक बार क्लिक कर दो, जिससे आपकी जो टेक्स्ट है वो कभी भी यहाँ से वहाँ नहीं होगी, एकदम फिट रहेगी अपने जगह पे, थोड़ी भी हिलडोल नहीं करेगी, उससे आपकी वीडियोस जो है बनाने में आसानी होगी दोस्तों। इसमें तो आसान है, इसमें तो आप बना सकते हो, पर बड़े बड़े एडिटिंग करोगे तो उसमें जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और काफ़ी प्रॉब्लम की आपको फेसिंग करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे थर्ड हिडन फीचर्स में। जी हाँ दोस्तों, थर्ड हिडन फीचर्स ऑफ काइनमास्टर। तो चलिए हम ये भी बताते हैं, और आप इस वीडियो में देखिए कि इसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम थर्ड हिडन फीचर्स में आ चुके हैं, और आपको सिंपली एक बैकग्राउंड ले लेनी है ब्लैक कलर की, वो आपको लेयर में जाकर के मिल जाएगी। और जैसे ही आप इसे ले लेते हो, तो इसे मैं फुल स्क्रीन में, मतलब कि फुल जो है मेरी जितनी देर की वीडियो की लेंथ है उतनी देर में मैं करके इसे डुप्लीकेट में ऊपर नीचे में दोनों जगह फिट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आप कुछ लिख सकते हो, अपने चैनल के बारे में लिख सकते हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिख सकते हो, या फिर आप जो भी लिखो, यार मुझे ये सही लग रही है, कुछ देर के लिए मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। यहाँ
यहाँ पे देखिए दोस्तों, बस लिखने के बाद आपको ओके करनी है और मैं कुछ फॉन्ट जो है उसके चेंज कर देता हूँ, इसकी जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये अच्छी लग रही है और इसे आपको बस बड़ी कर देनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, बस आप लोग देखो समझो सीख जाओगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोग की की निशान है उस पर आप लोग को क्लिक करनी है लिरिक्स के साथ, तो आपकी कुछ ऐसी आएगी करने के लिए, तो आपको कहते जाना है। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोग सीख जाओगे। आपको बस टेक्स्ट को फिट कर देनी है उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं डुप्लीकेट लेने के बाद इसे मैं क्या कर देता हूँ, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड कर दिया, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं फिर से की में आकर के इसे माइनस में कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आकर के इसे फिर से मैं फिट कर दूंगा ताकि हमारी वीडियोज़ की जो है मोशन वो चलती रहे। तो दोस्तों इससे आप कर सकते हो अपने वीडियोज़ को की के साथ मैनेज कर के आप इसे मूव करा सकते हो अपने लिरिक्स को, बहुत ही अच्छी फीचर्स है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये हो चुकी है और मैं इसे प्ले करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कितनी शानदार लग रही है। बड़े बड़े यूट्यूबर भी होते हैं जो ऐसे ऐसे इफ़ेक्ट्स अपने वीडियोस में डालते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के देखे होंगे जो ऐसे ऐसे इफ़ेक्ट्स अच्छे अच्छे कहते हैं। तो दोस्तों अब बात करें कि ऊपर में कुछ खाली खाली लग रहा है, तो ऊपर में भी हम कुछ दे देते हैं, जैसे कि हम प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स लिख सकते हैं, जिससे हमारी वीडियोस को हो सके तो लाइक शेयर कमेंट्स भी मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग इसे बेटर बनाने के लिए ये भी इफ़ेक्ट्स दे सकते हो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं ये भी दे दिया और इसे भी मैं वही इफ़ेक्ट्स दे दूँगा की में जा कर के। तो इसे सबसे पहले हम फुल कर देंगे लेंथ में, उसके बाद इस की में आकर के प्लस वाली सैम्बल पे क्लिक करके यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे, इसको पूरे अंत तक ले जाएंगे। हाँ ऐसे ले जाएंगे दोस्तों। ले जाने के बाद इसे हम एक सेकेंड हाँ फिर से हम आएंगे अब लास्ट में जा कर के ही करेंगे ताकि हमारे वीडियो जो है सही से बन जाए। तो टेक्स्ट की लास्ट में जा कर के अगर आप करोगे तो आपकी जो होगी वो बन जाएगी। देख लो, आप लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये बस आप लोग को सिखाने के लिए है वीडियोस दोस्तों, तो इसलिए मैं ऐसे एडिट कर रहा हूँ, आप लोग को बस सिखा रहा हूँ शॉर्ट वीडियो के साथ, आप लोग को शिक्षा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हो चुका है। अब हम बात करते हैं टॉप 4 हिडन फीचर्स ऑफ काइनमास्टर। जी हाँ दोस्तों, टॉप 4 हिडन फीचर्स। तो देखिए दोस्तों इसके लिए आपको क्या करनी है, आपको जैसे कि अगर आप कुछ वॉइस में ही आप रिकॉर्डिंग करते हो, काइनमास्टर के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हो, तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हो रही है दोस्तों, आप लोग जो देख रहे हो दोस्तों ना, तो इसे अगर आप लोग लास्ट में देखते हो तो यहाँ पे लास्ट में जो होती है ऑटोमेटिक जो वॉइस की होती है वो साउंड ऑटोमेटिक कम हो जाती है लास्ट में, तो उसे आप लोग ऑफ कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑडियो फेड आउट है, उसे आप ऑफ कर दोगे तो ये जो लास्ट में जो आपकी वीडियो चलेगी वो एकदम चलते रहेगी, थोड़ी सी भी फेड नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉप 5 हिडन फीचर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों टॉप 5 हिडन फीचर्स ऑफ काइनमास्टर को बताते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टॉप हिडन फीचर्स भी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है जो आपके हर एक वीडियो बनाने में काम आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो अगर आप लोग कोई भी फोटो इमेज वीडियो अगर आप बार बार चुनते हो अपने हर एक वीडियोज़ बनाने के लिए, अगर आप लोगो लेते हो, आप कुछ भी लेते हो दोस्तों, फ़ोटो लेते हो अपने हर एक वीडियो बनाने के लिए, तो उसको आप एक काम करके एक फोल्डर बना करके फेवरेट फोल्डर में बना करके आप सेव कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी इमेज है उस पर आप लॉन्ग प्रेस करो तो यहाँ पे स्टार वाली सैम्बल आएगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये फेवरेट में सेव हो जाएगी दोस्तों। जैसे ये मेरी लोगो है, इसे भी मैं फेवरेट में सेव कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसे मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा, स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद ये फेवरेट में सेव हो चुका है और मैं आप लोग को अभी दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे फेवरेट में आएंगे दोस्तों, आप लोग को सेकेंड में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फेवरेट में आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये आ चुकी है मेरे चैनल की लोगो और इसे मैं एडिट करके क्रॉप करके इसे मैं सेव करके आप लोग को दिखाता हूँ। इससे आपको यह फ़ायदा होगी दोस्तों कि आपको बार बार इमेज यहाँ वहाँ से चुननी नहीं पड़ेगी, आपको पता होगी कि जो मेरी फेवरेट्स
फेवरेट जो फोल्डर है उसमें मेरी सारी इमेजेस, सारी वीडियोस है जो हम हर एक वीडियोस में यूज करते हैं, और आपको वीडियोस बनाने में काफ़ी हेल्प भी होगी, काफ़ी टाइम की भी लॉस नहीं हो पाएगी दोस्तों, और काफ़ी अच्छी भी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो होपिंग करते हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। और दोस्तों इस वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी है, बहुत गलतियाँ भी हुई होगी दोस्तों, तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इंसान हूँ दोस्तों। तो दोस्तों और बात करें तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई ना दोस्तों, तो प्लीज़ यार हमारे वीडियोस, हमारे जो चैनल है डीप टेक ऑफिशियल, उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों हिचकिचाना मत, डायरेक्ट आप कमेंट्स करो। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।